जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमले की खबर सामने आई है। कई जगह पर सेना का आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। इस ऑपरेशन में सेना को कामयाबी भी मिली, लेकिन इन हमलों को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ भारतीय सेना की एक साथ तीन जगह मुठभेड़ हुई। श्रीनगर के खान्यार और बांदीपोरा दोनों ही जगह सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। खान्यार में एक घर में दो से तीन आतंकी छिपे थे, सेना ने घर को ही उड़ा दिया। वहीं अनंतनाग में भी भारतीय सेना दो आतंकियों को ढेर करने में कामयाब रही, यानी पिछले 36 घंटों में तीन आतंकी ढेर कर दिए गए। फिलहाल तीनों जगहों पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, इलाके में जवान हाई अलर्ट पर है। बीती रात बडगाम के मझामा गाँव में आतंकियों ने दो गैर कश्मीरी लोगों को गोली मार दी। पिछले 12 दिनों में जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों पर ये दूसरा हमला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हमले कब रुकेंगे, कब कश्मीर में शांति आएगी। इसे लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इन घटनाओं के पीछे मोदी सरकार की साजिश करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इन वारदातों के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं, आखिर अभी ये घटनाएं क्यों हो रही है। फारूक ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर में तनाव पैदा करने की कोशिश है, उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर LG के हाथ में है, इसकी पूरी जिम्मेदारी BJP पर आती है। पाकिस्तान से घुसपैठी आ रहे हैं, लेकिन उसको रोक नहीं पा रहे, गरीब मजदूरों को गोली मार देते हैं। मोदी सरकार क्या कर रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही ये हमले खत्म हो जाएंगे। DB Live की रिपोर्ट।